जोधपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर गांव था, जहां पर मीना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। मीना जिस गांव में रहती थी, उस गांव में एक जादू ही रिक्शा थी, जो कि अपने आप ही चलती थी। उसे ड्राइवर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। एक दिन दोपहर के समय सड़क बहुत ही खाली थी। मीना को गांव जाना था। मीना को दूसरे गांव जाने के लिए रिक्शा भी नहीं मिल रही थी और कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। मीना सोच रही थी कि वो कैसे जा सकती है। रास्ते में कोई भी ना होने की वजह से मीना अपने घर वापस आ जाती है। मीना बहुत डरी हुई होती है कि गांव में कोई देख क्यों नहीं रहा। अरे, मुझे जल्दी से माँ को बताना पड़ेगा, बाहर कोई भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे माँ को बताना पड़ेगा। हमारे गांव के सारे लोग गायब हो गए हैं, लगता है कोई जादू हो गया है। अरे बेटा, तुझे डरने को क्या हो गया? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि हमारे गांव में एक जादू की रिक्शा आ गई है? सब लोग उस रिक्शा को देखने के लिए गांव के बाहर पहाड़ी पे गए हैं। क्या तुझे उस रिक्शा को देखना है? नहीं माँ, मुझे डर लगता है, मैं किसी रिक्शा को नहीं देखना चाहती। मीना अपने घर से बाहर चली जाती है। अचानक मीना के सामने वो जादुई रिक्शा आ जाती है। मीना बहुत घबराती है और चिल्लाने लगती है। रिक्शा रुक जाती है। मीना से कहती है, अरे मैं तो जादुई रिक्शा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। रिक्शा की वो बातें सुनते ही मीना जोर से चिल्लाकर अपने घर भागने लगी। मीना के पीछे पीछे रिक्शा भी उसके पीछे ही भागने लगी। रिक्शा भी नहीं रुकती थी और मीना भी नहीं रुकती थी। मीना अपने घर जाने के लिए बहुत तेज भाग रही थी, रिक्शा उसके पीछे ही भाग रही थी। अचानक मीना का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और मीना जोर से जमीन पर गिरकर रोने लगती है। मीना बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर रिक्शा आती है और उसे उठाकर घर ले जाती है। मीना जब घर जाकर नींद से उठती है, तब उसकी माँ ये सब बातें उसे बता देती है। मीना का विश्वास नहीं बैठता कि वो रिक्शा खुद उसे घर लेकर आई। जब मीना ये सब उसकी माँ से सुनती है, तो उसे वो रिक्शा अच्छी लगने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे उस रिक्शा से मिलना है जिसने मेरी जान बचाई। मैं उसे धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई। रिक्शा दरवाजे पर ही मीना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मीना घर से बाहर तेज भागती हुई आई, रिक्शा और मीना दोनों बहुत खुश हो गए। उसके बाद मीना रिक्शा से हर वक्त सवारी करने लगी और वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए।